हेलो फ्रेंड, पंजाबी फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पीछे गले का डिज़ाइन। हमारा गला है 6 इंची, 6.5 में हम मार्क लगाएंगे। यहाँ हमने 6.5 इंची में रखा और यहाँ मार्क लगाया, और ऊपर की चौड़ाई हम 2.5 इंची देंगे और नीचे की हम 3.5 इंची देंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे, इधर भी सीधा कर लें। अब 3.25 इंची का मार्क फिर लगाएंगे, यह हमारा पैच पड़ेगा। इसे भी हम इस तरीके से सीधा कर लें और इसे इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। तो दोस्तों, ये मार्क हमारे लग गए हैं। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे, यह हमारे मटके शेप की गोलाई देनी है हमें। इसे यहाँ पर गोलाई देते हुए हम ऊपर की तरफ ले आएंगे और उसे अंदर की तरफ हमें मार्क अंदर की तरफ हमें करके इसे लगाना है। ये देखिए हमारा मार्क लग गया है, आपको बढ़िया से दिखा दे। ये देखिए हमारा मार्क इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब इसे हम काटेंगे। ये हमारा कट गया है, और ये जो गले के अंदर की कटिंग है इसे हम पेपर पेस्टिंग में बैठा कर मार्क लगाएंगे। ये हमारी पेपर पेस्टिंग हो गई और ये होगी हमारी कटिंग। इसे हम अच्छी तरीके से बैठा देंगे। देखिए ये हमने डबल फोल्ड ली हुई है, यहाँ हम 1.25 इंची मार्क लगाएंगे, यहाँ भी 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे, 1.25 इंची, यहाँ भी 1.25 इंची, यहाँ भी 1.25 इंची। अब इसे हम शेप दे देंगे, इस तरीके से हमें कटिंग शेप दे देनी है। ध्यान दे दोस्तों, इसी तरीके से हमें कटिंग शेप देनी है और नीचे में आकर हमें 5 शेप दे देनी है। इस तरीके से हम गोलाई ले लेंगे। यह होगी हमारी शेप। अब हम गले का भी मार्क लगा देते हैं, इस तरीके से हमें गले का मार्क भी लगा लेना। अब इसे हम काटेंगे। इधर भी काट ले, ये देखे दोस्तों हमने इसे इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसे कपड़े में बैठाएंगे। ये हो गया हमारा कपड़ा, इसी में हमें पेस्टिंग को बैठाना है। देखिए दोस्तों, हमें पेस्टिंग को इस तरीके से बैठाना है। अब इसमें हम सिलाई देंगे, अच्छी तरीके से मिला ले। अब इसमें हम किनारे किनारे इसी के सिलाई देंगे। अब इस तरफ भी हम सिलाई दे दें, इधर भी हम किनारे किनारे ही सिलाई देंगे। यह हो गई हमारी सिलाई। अब हम इसे काट देंगे, किनारे किनारे हमें इसे काट लेना है पेस्टिंग के। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कटिंग कर देंगे। ये देखे दोस्तों, हमने पेस्टिंग को काट लिया है और ये हमने पीछे का पल्ला भी ले लिया है जिसमें हम ये पेस्टिंग को बैठाएंगे। दे दोस्तों, अच्छी तरीके से इसे हमें बैठाना है।
सभी तरीके से हमें मिला लेना है अच्छे तरीके से। और ये हो गया, इसे हमने इस तरीके से बैठा लिया है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। हमें ये सिलाई बीच से ही लगानी है। ध्यान दीजिएगा, सिलाई हमें किनारे किनारे ही करनी है, जितने किनारे हो सके इसे हमें खाली फंसाना है सिलाई से। इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी फंसाएंगे। इसे भी अच्छी तरीके से बैठा ले पहले। यह हमारा इस तरीके से बैठ गया। अब यहाँ भी हम सिलाई देंगे। सिलाई को पेस्टिंग एकदम किनारे मारना गले के। इधर भी होगी हमारी सिलाई। अब गले में हम पैपिन लगाएंगे। पैपिन के लिए हमने ये उरेब कपड़ा लिया है, जिससे में हम पैपिन बनाएंगे। इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। पैपिन हमें जितनी पतली चाहिए उतनी ही हमें सिलाई देनी है। दोस्तों, पैपिन के कपड़े को हमें खींचना नहीं है, गोलाई में हमें पैपिन के कपड़े को अच्छी तरीके से बैठा कर ही सी लेंगे, ताकि हमारी पैपिन सही बने। यह हमने कपड़ा पैपिन का लगा लिया है। अब हम आपको बता दें, पैपिन हमें जितनी चौड़ी निकालनी है उतना ही चौड़ा हमें इसे फोल्ड करेंगे। देखिए, हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है और जितनी चौड़ी पैपिन हमें चाहिए उतने ही हमें इसमें सिलाई मारेंगे। इसे अंदर की तरफ हमें खींच कर सिलाई मारनी है, ताकि पैपिन हमारी अच्छी तरीके से फिनिशिंग बने। देखिए दोस्तों, अंदर की तरफ इसे खींच लेना है, पलट लेना है बढ़िया से, ताकि पैपिन बनाने में दिक्कत ना हो। पैपिन हमें अच्छे तरीके से आस्ते आस्ते ही बनानी है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी। देखिए दोस्तों, हमने पैपिन बना ली है। अब लेस लगाएंगे। लेस को हमें इस तरीके से बैठाना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो चलिए मारते सिलाई।
देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ हमारा कटिंग गला है वहाँ पर हमें अच्छे तरीके से लैस को बैठाते हुए लगाना है ताकि हमारी लैस अच्छे तरीके से बैठ जाए। अच्छे तरीके से इसे बैठाना है। यहाँ भी अच्छी तरीके से बैठा लें। जैसे जैसे हमारे गले की शेप है उसी तरीके से हम लैस को बैठाएंगे। ये देखें दोस्तों, हमारी लैस बैठ गई है। अब इसे हम यहाँ पर काट लेंगे। लैस हमारी लग गई है। अब हम अंदर का पैच काटेंगे। उसके लिए हमने ये बकरम ली है। इसे हम इस तरीके से अंदर में बैठाएंगे। इसे डबल फोल्ड कर ले और हम इसमें भी शेप की कटिंग करेंगे। ये हमारी भी शेप की कटिंग हो गई और इसे हम अंदर की तरफ बैठा कर देख लेंगे हमारा गला कितना आ रहा है। हमारा गला था 6 इंची, तो इसे अच्छी तरीके से बैठा लेंगे और 6 साढ़े 6 इंची में नाप लेंगे। 1/2 इंची हमारे ऊपर की मार्जिन दबने की हो गई। इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो इसका पेस्टिंग को हम अलग कपड़े लेकर उसमें चिपकाएंगे। यह हमारा इस तरीके से लग जाएगा। पहले हम इसे सेफ कर लें। अब एक और दूसरा कपड़ा लेंगे जिसमें हमें पैपिन भी निकल जाएगी और हमारा अंदर का पैच इसमें पलट जाएगा। अब हम इसमें सिलाई देंगे। अब हम इसे काट लेंगे और यहाँ पर हम खुटके मार देंगे ताकि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब हम इसे पलट लेंगे और हमें हल्की सी इसमें पैपिन निकाल लेनी है, हल्की सी चौड़ी। ये देखें दोस्तों, हमें हल्की सी चौड़ी पैपिन इस तरीके से निकालनी है। इसे नाखून से हम अच्छी तरीके से बैठा दें और ये हमारी बैठ गई है। अब इसमें हम सिलाई देंगे। अब हम लैस को लगाएंगे। इसे भी हमें उसी शेप से ही लगानी है जिस शेप से हमने ये कटिंग की है, भी शेप की। लैस को भी हम भी शेप से ही लगाएंगे। अच्छी तरीके से लैस को बैठाएंगे। ये देखें दोस्तों, हमारी लैस बैठ गई है। अब हम गले को लेंगे और पैच को इसके अंदर बैठाएंगे। इसे अच्छी तरीके से रख कर ही हमें बैठाना है। ये देखें दोस्तों, हमने इसे बैठा लिया है और हमें हमारा गला था 6 इंची, 6.5 में हम
इसे बैठाएंगे, हाफ इंच हमारा ऊपर की मार्जिन दब जाएगी। इसे बैठाने से पहले मार्क लगा लें ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो लगाने में। अब हमें सिलाई मारेंगे, इस तरीके से हम इसमें सिलाई देंगे। लेस को अच्छी तरीके से बैठा कर ही लगाएं। ये देखें दोस्तों, हमारा पैच लग गया है। इधर भी सूते को काट ले हम। ये देखें दोस्तों, हमारा पैच इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब हम इसमें बटन लगाएंगे। एक बटन हमारा यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। तो दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।